दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर, जिसे बोलते हैं दुष्टकारी। इसके कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, हाफ वे, फुल वे, ब्रिज। ठीक है, हाफ वे रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं? तो उसमें एक डायोड प्रयोग किए जाते हैं। फुल वे रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं? हाफ वे एक होता है, फुल वे में दो डायोड होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं? चार डायोड प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पीआईवी हाफ वे रेक्टिफायर का पीआईवी कितना होता है? वीएम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। फुल वे रेक्टिफायर का कितना होता है? दो गुना मैक्सिमम वोल्टेज होता है, दो गुना मैक्सिमम वोल्टेज। और ब्रिज रेक्टिफायर का पीआईवी कितना होता है? वीएम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज होता है। फिर लोड करंट की बात करते हैं अपन। हाफ वे रेक्टिफायर का कितने लोड करंट कितना होता है? वीएम बटे आर एम प्लस आई एफ। फुल वेव रेक्टिफायर का लोड करंट कितना होता है? वीएम बटे आर एम प्लस आई एफ। हाफ वेव का होगा, फुल वेव का होगा, ब्रिज का होगा। अब ब्रिज का करते हैं, इसका लोड करंट कितना होगा? वीएम बटे आर एम प्लस टू आई एफ। ठीक है, ये अपन ने कहा बात करी पिक लोड करंट की। अब अपन बात करते हैं आरएमएस की। हाफ वे रेक्टिफायर का आरएमएस कितना होता है? आई एम बाई टू। फुल वे का आरएमएस कितना होता है? आई एम बाई बटे रूट दो। ब्रिज रेक्टिफायर का आरएमएस मान कितना होता है? आई एम बटे करंट दो। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीसी। हाफ वे रेक्टिफायर का डीसी कितना था? आई एम बटे पाई। फुल वेव रेक्टिफायर का डीसी कितना था? आई एम बटे करने दो होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके अपनी करंट दो नहीं होता, दो टू गुना मैक्सिमम करंट होता है बटे पाई। ब्रिज रेक्टिफायर का डीसी कितना होता है? दो गुना मैक्सिमम करंट बटे पाई। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन हाफ वे रेक्टिफायर का रिपिल फैक्टर। तो इसका रिपिल फैक्टर कितना होता है? 1.21। ठीक है, फुल वे रेक्टिफायर का रिपिल फैक्टर कितना होता है? 0.48। ब्रिज रेक्टिफायर का रिपिल फैक्टर कितना होता है? अगर भी होता है 0.48। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम हाफ वे रेक्टिफायर की दक्षता। इसकी दक्षता सबसे कम 40.6% होती है। फुल वे रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है? 81.2%। ब्रिज रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है? 81.2%। हाफ वे रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर अपन देखे हैं, तीन डायोड होते हैं। हाफ वे रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग करते हैं अपन? एक। फुल वे में दो, ब्रिज में चार। हाफ वे रेक्टिफायर में एक डायोड प्रयोग किए थे, अगर इसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से अपनी तो आउटपुट में अपन कितना मिलेगा? 50 हर्ट्ज। और फुल वे रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर अपनी कितनी? 50 हर्ट्ज, आउटपुट में कितनी? दो गुना मतलब 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। और ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर में अगर अपनी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट में 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब प्राप्त होगी। थैंक यू दोस्तों।